आप लोगों का अयोध्या तीर्थ में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि आप लोग पांच प्रभु के इस कल्याणक की पावन भूमि से अयोध्या जी में पधारे हुए हैं। सबसे पहले प्रभु आते हैं ऋषभदेव जी। ऋषभदेव प्रभु जी का यहां तीन कल्याणक है, चमन है, जन्म है, दीक्षा है। केवल यहां इनका प्रयागराज इलाहाबाद है और मोक्ष कल्याणक अष्टापद। तो अपने यहाँ पहले तीर्थांकर साइड में है गोखले में, ये प्रतिमा अपनी 450 वर्ष पुरानी है। दूसरे नंबर पे आएंगे अपने अजीतनाथ प्रभु जी जो इस पूरे दरासर के मूल लायक हैं। अपनी मूल प्रतिमा जो है 225 साल पुरानी है और उनकी एक प्रतिमा इस बाजू में है, अखंड दीपक के बाजू में। ये प्रतिमा अपनी हजारों वर्ष पुरानी है। अजीतनाथ जी का चार कल्याणक है, चवन, जन, दीक्षा, केवल ज्ञान। चौथा नंबर आएगा अपने अभिनंदन स्वामी जी, इनके भी यहाँ चार कल्याणक हैं, चवन, जन, दीक्षा, केवल ज्ञान। अपने इस पूरे दरासर में सबसे प्राचीन और सबसे जूनी प्रतिमा अपने अभिनंदन स्वामी जी की है। ये प्रतिमा अपनी 2500 वर्ष पुरानी राजा संपत्ति कालीन के पहले की बताई जाती है। इसकी प्राचीनता मैं बता रहा हूँ, फटाफट आप लोग ध्यान दीजिए। इसकी पहली प्राचीनता, जैसे प्रभु के 9 अंग की पूजा होती है, ऐसे इसमें अभिनंदन स्वामी जी की 9 प्रतिमाएं हैं। एक ये मेन है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं। दूसरी प्राचीनता, अपने अभिनंदन स्वामी जी का लंचन बंदर है और आप अयोध्या में आएंगे तो बंदरों से पहले मुलाकात होगी। बीचों बीच सेंटर पर देखेंगे लंचन की प्रतिमा। तीसरी प्राचीनता, प्रभु के हाथों में श्रीफल नारियल। चौथी प्राचीनता, अपने अभिनंदन स्वामी देखिए जटाधारी हैं, स्थाई विराजमान। तो ये कहा जाता है कि ये प्रतिमा प्रभु के सन्यासी जीवन से पहले की है, क्योंकि सन्यास लेने के बाद बालों का विमोचन हो जाता है, उससे पहले की बताई जाती है। पांचवी प्राचीनता, आपने अभिनंदन स्वामी जी की जो 9 प्रतिमाओं के दर्शन किए, सभी की मुद्राओं में डिफरेंस, अलग अलग भावों में विराजमान है। छठी प्राचीनता, प्रभु के चरण के ऊपर, चरण के पग के ऊपर आपको ऐसे गोल गोल चक्र दिखेंगे। सातवीं प्राचीनता, अपने अभिनंदन स्वामी जी के गले में आभूषण को कंठस्थ किया गया है। और आठवीं प्राचीनता, 9 की 9 प्रतिमाएं कमल के फूल के ऊपर विराजमान है। ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा, ऐसी प्रतिमा के दर्शन की दुर्लभ है। एक बार बोलिए शिव नंदन स्वामी भगवान की जय। पांचवें नंबर पर सुमतीनाथ जी आएंगे। सुमतीनाथ जी के भी यहाँ 4 कल्याणक है, चवन, जन, दीक्षा, केवल ज्ञान। ये भी प्रतिमा हजारों वर्ष पुरानी है। 14वां नंबर अनंतनाथ जी है, आपको साइड में मिलेंगे। अनंतनाथ जी के भी 4 कल्याणक है, चवन, जन, दीक्षा, केवल ज्ञान। कुल मिलाकर 5 प्रभु के 19 कल्याणक की पावन भूमि श्री अयोध्या जी में आप लोग पधारे हुए हैं। सब में शिखर जी महातीर्थ के बाद अपने अयोध्या तीर्थ का नंबर आता है, लेकिन प्रभु राम जी की कृपा से अब अपना अयोध्या तीर्थ सम्र शिखर जी महातीर्थ से बड़ा हुआ। क्योंकि जब राम जी पधारे, टेंट का सफर पूरा करके मंदिर पर पहुंचे, तो अपने अयोध्या क्षेत्र का विस्तार किया गया। जब अपने अयोध्या क्षेत्र को बड़ा किया गया तो अपने बाजू में एक तीर्थ है रतनपुरी, जो रौनाही के नाम से जाना जाता है। और अपने 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ जी के वहाँ 4 कल्याणक हैं, चवन, जन, दीक्षा, केवल ज्ञान। वो तीर्थ अब अयोध्या की सीमा में ऐड हुआ है, इस वजह से यहाँ पे 6 प्रभु के 23 कल्याणक की पावन भूमि श्री अयोध्या जी हो गई। अब अपना अयोध्या जी सकल शिखर जी महातीर्थ से बड़ा हो गया। फर्स्ट नंबर पर अपना अयोध्या जी आता है। वहाँ पर 20 कल्याणक है, यहाँ 23 हो गए हैं। अब यहाँ 23 कल्याणक हो गए, यहाँ पे 6 प्रभु के 23 कल्याणक, 5 प्रभु का 19 कल्याणक आपको यही मिलेगा और 4 वो आए होने के कारण 23 कल्याणक की पावन भूमि श्री अयोध्या जी हो गई। समय शिखर जी से बड़े तीर्थ का लाभ आप ले रहे हैं। बोले श्री अजीत नाथ।